अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम, जिसे हम सीताफल की आइसक्रीम भी कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। सीताफल की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहे तो हैंड बीटर या इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में सबसे पहले हम व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। अगर आप व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अमूल फ्रेश क्रीम या घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे सीताफल का पल्प। सभी बीजों को सीताफल के अलग कर लेंगे और इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो हमारा सीताफल का पल्प बनके तैयार हो जाएगा। सीताफल का पल्प डालने के बाद अब हम उसमें पाउडर शुगर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो वेनिला एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे 30-30 सेकेंड पे चेक करते जाएंगे। अगर हमारा इस तरह हो जाए तो उसे दोबारा ग्राइंड नहीं करेंगे। याद रखें, अगर आप घर की मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार बार खोल के चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के अच्छी तरह टैप कर लेंगे। अगर आप किसी ऐसे बर्तन में स्टोर कर रहे हैं जिसका लीड नहीं है तो ऊपर से इसे फॉइल पेपर या प्लास्टिक रैपर से रैप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसे बारीक कटे हुए काजू बादाम से गार्निश करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे। कम से कम 8 घंटा फ्रीज करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट भी आप इसे रख सकते हैं। मैंने सीताफल की आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीजर में रख के फ्रीज कर ली थी। अगर आप चाहे तो जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सीताफल आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और इसके फीडबैक मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम आईडी पे पिक्चर्स के साथ सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।